शिवहर तरियानी बेलसन विधानसभा की जनता चाहेगी तो तरियानी छपड़ा की मुखिया अर्पणा सिंह बेलसन विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उक्त संबोधन तरियानी छपड़ा स्थित आवास पर मुखिया पति समाजसेवी नितेश सिंह उर्फ महाराज ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है। उन्होंने कहा है कि शिवहर की नव निर्वाचित सांसद लवली आनंद शिवहर के विकास के लिए बेहतर काम करेगी। उनकी जीत पर बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि शिवहर में रेल तथा रीगा चीनी मिल के लिए एक बेहतरीन सांसद साबित होगी। नितेश सिंह उर्फ महाराज ने कहा है कि जनता मालिकों के आशीर्वाद से मेरे पिताजी श्याम बाबू सिंह मुखिया रहे, मेरी पत्नी अर्पणा सिंह मुखिया है, मेरा बाबा स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारा पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी था तथा देशभक्त थे, हम लोगों के रग रग में समाज सेवा का भाव है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम गरीबों तथा जरूरतमंदों को हमेशा सेवा और भाव से पेश आते हैं। जनता हम लोगों का भगवान है, जनता के बदौलत हम इतने कष्ट के बावजूद आपके सामने हैं। नितेश सिंह उर्फ महाराज ने कहा कि हम सभी वर्गों के लिए अच्छा काम करते रहे हैं एवं आगे भी करते रहेंगे। जनता हमारे कार्यों से खुश है, जनता के आशीर्वाद से मेरी पत्नी मुखिया अर्पणा सिंह 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अपने जनता जनार्दन के लिए बाहुबली बना, अपराधी और माओवादियों से लड़ता रहा, जनता का विकास सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता को लेकर हमेशा संघर्ष करता रहा और दर बदर की ठोकरें खाता रहा। जनता के सुख दुख के लिए ही मैं कभी जेल गया तो कभी दर बदर की ठोकरें खाया तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, लेकिन मैंने गरीब और कमज़ोर लोगों का साथ नहीं छोड़ा। मैंने माओवादियों के साथ संघर्ष करके माओवादियों के हर जुल्म को ढाया और गरीबों को न्याय दिलाया। इस मौके पर कैप्टन कौशलेंद्र सिंह उर्फ चुनचुन जी, मानवेंद्र त्रिवेदी, विशंबरपुर के पूर्व मुखिया रचना वर्मा के पति अरविंद कुमार, अरुण साहनी मुखिया, सुरेश कुमार सिंह, शमशाद शेख, ब्रह्मदेव महतो, रामदेव कुमार पूर्व प्रमुख, नीलेश कुमार रुदल शाह हथसौर, हरिकिशोर शाह मुखिया प्रतिनिधि, अमित कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ डेस्क के लिए कैमरामैन रविकांत कुमार राय के साथ शिवहर संवाददाता विनोद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनता अगर चाहे उनका मांग होगा तो 2025 में अपनी पत्नी लड़ सकती है, वो तो जनता का मांग हो तो उसमें कोई शक नहीं है कि मेरी पत्नी नहीं लड़ेगी। क्या सेवा आज भी कर रहे हैं जनता के, हम विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, इन उन लोग से ज़्यादा सेवा करते हैं। क्या इसकी तैयारी कर रहे हैं क्या? मेरा ऐसा कोई तैयारी नहीं, जनता का मांग होगा तो 2025 में हम लड़ेंगे। सर आपका पूरा परिवार, सर आपका पूरा परिवार कहेंगे समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं, मुखिया आपके घर में अभी आपकी धर्मपत्नी मुखिया है, उनका ये योगदान काफ़ी पंचायत में रहा है। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि 2025 का चुनाव बेलसन विधानसभा से क्या सर आप तैयारी में कहीं जुट गए, क्या ये सवाल था, थोड़ा स्पष्ट करिए सर। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई हम तैयारी नहीं है, हम जनता के बीच में पहले से भी जनता के जो भी कष्ट हुआ उस कष्ट का उदाहरण हम मदद किए जो भी कष्ट से आए, और आज भी आप जान लीजिए आज तो बहुत अच्छा समय है, आप लोग सभी आदमी चले आए। एक समय था जब अपराधी और माओवादी का जमावड़ा जब रहता था तो किसी के लिए कोई नहीं था, उस दिन मैं सभी के लिए मदद के रूप में हम खड़ा हुए, उनका लड़ाई भी लड़े, जहां ज़रूरत जो पड़ा वो मदद भी किए। आज आज देख लीजिए उसी आधार पे हम गए हैं वोट मांगने सबके पास, और मेरे दरवाजे हम शहीद परिवार से आते हैं और मेरे बाबा शहीद हुए हैं। ये जो यानी छपरा पंचायत है, इस पंचायत के 11 आदमी एक जगह शहीद हुए हैं अंग्रेज की गोली के, और हम लोग उस जो भी गरीब अमीर जो भी लोग हैं जिस समय आते हैं मदद के लिए, मेरे गांव के छोड़ दीजिए, जिला के छोड़ दीजिए, दो चार जिला के लोग आते हैं, उनको मदद हम करते हैं और उस आधार पे ही किसी को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले आज लवली आनंद जी राजपूत जाति से आते हैं और वैश्य समाज से आते हैं रेखापुर्वे के भी हमने मदद किया और जीती, हम दो इलेक्शन में घूमे हैं दोनों एनडीए गठबंधन के पक्ष में, एक बार रेखा पूर्वे जी के पक्ष में, इस बार लवली आनंद जी के पक्ष में। ऐसे हम कहीं वोट मांगने किसी के लिए नहीं गए, और जो हम जनता के लिए किए हैं वो तो जनता हमें साथ दिया है, मेरे बात पे वोट दिया है। आज लवली आनंद जी भी जीती, रेखा पूर्वे भी जीते,
सर, तरियानी से क्षेत्र बीरों का भूमि रहा है, जैसा कि आपने बताया कि आप ही के एक ही परिवार से 11 बीरों ने यहाँ पे देश के लिए जान निछावर कर दिया है, उस परिवार से सर आप आते हैं, तो क्या जनता ने मौका दिया आपको 2025 के बेशक विधानसभा चुनाव के लिए, तो आप अभी से पूरी तरीके से तैयार हैं? और ये बेलसन विधानसभा की जनता हमें बहुत पहले से जानते हैं और मेरे पूर्वजों को भी जानते हैं। मेरे चाचा पहले भी यहाँ इलेक्शन लड़ चुके हैं विधानसभा के, कैप्टन कौशल चुन चुन से, और हम लोग की पहचान की जरूरत नहीं है। जब यहाँ की जनता मांग करे कि नहीं आप ही को लड़ना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। 2025 में मेरी पत्नी लड़ेगी चुनाव। सर, जिस तरीके से NDA गठबंधन में चुनाव अभी लड़ा गया था और बहुत अच्छी बहुमत सरकार बनाने के करीब है गठबंधन, उसके बावजूद भी महागठबंधन ये पेश कर रहा है कि भाई हमारी भी सरकार बनेगी, तो क्या लगता है? हालांकि एक आज ही प्लेन में देखने को मिला है, क्या इन सब चीज़ों से, चूँकि आप एक समर्थित समझिए NDA के पक्ष में चुनाव प्रचार इतना बढ़िया किया है, तो क्या लगता है ये संभव हो पाएगा कि महागठबंधन का सरकार? ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश जी किसी हाल में नहीं कहीं जाने वाले, NDA के साथ है और NDA के साथ मजबूती से खड़ा है। अब लोगों का प्रगंडा है कि एक प्लेन में गए एक साथ गए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सर, इस चुनाव में दो मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा जो आप सर जानना चाहेंगे, आपका जवाब जानना चाहेंगे। एक मुद्दा रहा यहाँ रीगा चीनी मिल का, जिसे किसानों की समस्या के समाधान के लिए कई बार आवाज़ उठाया गया है, प्रत्याशी जीतने से पूर्व भी कई बार कहा कि हम जीतेंगे तो इसको जरूर हर हाल में प्रयास करेंगे ये चालू हो जाए। दूसरा मुद्दा सर यहाँ रेलवे का है, रेलवे यहाँ पे आ चुका है, तो क्या लगता है जो जहाँ से काम शुरू हुआ है इसको और रफ्तार मिलेगा? सर, दो सवाल जवाब। देखिए, जहाँ तक रेलवे के सवाल है तो लवली आनंद जी कहिए कि हम काम करेंगे उसमें, और जब बोली है वो तो काम करेंगे। आनंद मोहन जी भी इसके लिए बोले थे, रेलवे के लिए, कि रेलवे के लिए वो लोग बोले हैं और काम करेंगे, उन पर विश्वास है। ये पूरे सीवर लोकसभा की जनता का विश्वास है कि वो काम करेंगे। नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर दूसरा कोई आएगा, ऐसा थोड़ी है इन्हीं का जो जीत गया वो ही रहेंगे। और चीनी मिल के सवाल है, जो लवली आनंद जी मजबूती से बोले हैं कि हम चीनी मिल चालू करेंगे, तो इसके लिए आवाज़ वो उठाएंगे वहाँ लोकसभा में और काम करेंगे। जनता तरियानी क्षेत्र और बेलसंड क्षेत्र में जनता की मांग की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं, लेकिन जनता में शोरगुल जरूर है कि इस बार महाराज नीतीश सिंह जो है कि चुनाव लड़ेंगे, जनता बोलती है।